जो आप महाप्रभु का अवतीर्ण काल समय आसन्न है, तो हमको भी जाना है, समय के इंतजार कर रहे हैं, तो वो तो सिद्ध है, वो तो पार्षद तनु है, वो तो साधक दशा थोड़ी है, वो तो भगवान के पार्षद है, साक्षात ब्रह्मा जी हैं। हरिनाम में आनंद मुखरित होकर हरिनाम संकीर्तन में दिगंत मुखरित करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उनके नाम से उनकी अमृतमय वो कथा अमृत श्रवण करके सबके चित्त वृत्ति द्रवीभूत हो जाता है, सब भाग भाग के आते हैं, खूब आशीर्वाद करते हैं, खूब आशीर्वाद करते हैं, कल्याण हो कल्याण हो मंगल हो, इससे उनके पीछे भीड़ लग जाता है। जहाँ फूल खिलता है वहाँ भ्रमर ऑटोमेटिक जा करके गुंजन करना शुरू कर देता है, जहाँ शहद है ऐसे ही जिसके अंदर कुछ परमार्थिक चेतना है उसके पास भी ऐसे ही भक्त कर जा करके, क्यों इसका कोई ये नहीं, ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है, जिस आकर्षण शक्ति के द्वारा उनके सान्निध्य में बहुत जो जाकर बहुत लोग जा करके उनके संतप्त हृदय को शांत करने में समर्थ होते हैं ऑटोमेटिकली। क्यों हमको अच्छा लगता है ये कह नहीं पाते हैं, लेकिन ये है भगवत कृपा। ऐसे ही हरिदास ठाकुर के पीछे पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, जहां जाते हैं वहीं पर हजारों लोग उनके पीछे चलते हैं। इधर हुसैन शाह था उस समय बंगला बिहार उड़ीसा के अधिपति नवाब हुसैन शाह मुसलमान पीरियड उस समय। एक काजी था बड़ा दुष्ट, एक काजी, काजी माने एक एक जैसे हमारे जिला है ना, जिलाधीश है ऐसे एक एक है ना, उस समय भी काजी माने एक एक स्थान एरिया का वो मालिक बना देते हैं, वहां से कर उठा करके उसको राजा को देते हैं, ऐसे काजी कहते हैं। ऐसे वो काजी था दुष्ट, वो जाके हुसैन शाह को कहते हैं जनाब ऐसे एक मुसलमान घर के एक ऐसे ही भक्त हो, वो हिंदू नाम करते हैं भगवान का नाम करते हैं, ये तो बड़ा अन्याय है हमारे सनातन हमारे जो मुसलमान धर्म है ये तो प्रभावित तो हो जाएगा, ये तो औचित्य है नहीं, इसीलिए जनाब इसके लिए आपको कुछ चिंतन करना चाहिए। तो हुसैन शाह तो ऐसे नहीं है, बहुत मन में बहुत सरल सीधा भी थे, ऐसे दुष्ट नहीं थे उसमें तत्कालीन मुसलमान राजा तो बहुत है ज्यादातर थे, ये तुम्हारा बीरबल था ऐसे था ऐसे ही। तो कहते तो क्या हुआ, अरे भाई जिसका जो मन चाहे वो उसको करने दो, उसका धर्म आचरण करने दो, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं जनाब ये बात नहीं है, नुकसान की बात हम नहीं कर रहे हैं, कहते हैं इसके द्वारा प्रभावित होकर के मुसलमान धर्म से जा करके वो भी हिंदू हो जाएंगे तो हमारे मुसलमान धर्म प्रभावित हो जाएगा, और ये काफिर का धर्म है, हमारे मुसलमान होकर के इसे काफिर का धर्म लेकर के वो प्रचार करेंगे, जनाब ये तो औचित्य है नहीं। अरे भाई तो क्या किया जाए बताओ, नहीं कुछ जनाब इसके लिए कुछ तो आपको व्यवस्था करना है, उसको मना कर दिया जाए, इसको कुछ कह दिया जाए जिससे ऐसा ना करें। अच्छा ठीक है तुम्हारी इच्छा भाई बुलाओ, हरिदास को बुलाया, बड़े सुंदर दिव्य दर्शन लाए हैं, हरे कृष्ण करते करते आए हैं। हाँ भाई बोलो, तो मुसलमान होकर के मुसलमान सब जानते हैं, मुसलमान कौन भी जन्म लिया मुसलमान है, लेकिन ना था हम लोग इस विषय आलोचना किए, हिंदू घर में ही जन्म लिए हैं, अति बचपन में पिता माता चले जाने के बाद वो बच्चा को लेकर एक मुसलमान पालन किए, मुसलमान घर में पालित हुए हैं, तो सब कोई जानते हैं मुसलमान का ही संतान है। तो मुसलमान होकर हिंदू धर्म अपनाते हो, काफिर का धर्म है, ये तो भाई औचित्य है नहीं, ये तो ठीक नहीं है। तो जनाब धर्म अपना अपना है, धर्म तो अपना अंतकरण वृत्ति है, जिसका अंतकरण जो चाहता है जहां उसकी रुचि है वही उसका धर्म, कोई धर्म ही आचरण करना चाहिए, जहां रुचि नहीं है वहां कभी धर्म आचरण होता नहीं है, धर्म में हमारी रुचि नहीं तो थोड़ी धर्म आचरण होता है, पहले तो रुचि होनी चाहिए है ना। इसलिए हमारे उपासना पद्धति में भी
जिसका जैसे रुचि है तदनुसार ही गुरुकरण करना चाहिए। किसी को स्वाभाविक राम में रुचि है तो उनको ऐसे रामानंदी कोई संत से दीक्षा लेनी चाहिए। किसी को कृष्णानंदी है, कृष्ण राधा कृष्ण के उपासक है, उनको उचित है ऐसे कृष्णानंदी कोई संत से दीक्षा लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आगे चल के बहुत विरोधाभास हो जाता है। ठीक है, जो राम है कृष्ण है दोनों ठीक है, लेकिन क्या होता है, मान लो रामानंदी संत है, बहुत पहुंचे हुए संत है, महत्पुरुष तो कोई संप्रदाय का होते नहीं है, महत्पुरुष होते हैं गुण से। संप्रदाय सब संप्रदाय महत्पुरुष हो सकते हैं, ब्रह्मज्ञानी महत्पुरुष हो सकते हैं, कृष्णानंदी महत्पुरुष हो सकते हैं, रामानंदी महत्पुरुष हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए रुचि अनुसार ही उस मार्ग अवलंबन करके साधन करने से साधक का कल्याण होता है। कभी कभी देखा जाता है, कभी कोई रामानंदी ऐसे है, कृष्णानंदी राधारानी के चरण में बहुत उनकी रुचि है, लेकिन ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य पहुंच गए, जाके कहते हैं महाराज हमको दीक्षा दे दीजिए, और वो भी दे दिया राम मंत्र, जाओ तो राम सीता तुम्हारे इष्ट है, इनके चिंतन करो। दो दिन पीछे उनका मन लगता नहीं, राधा कृष्ण में मन है, ब्रजवासी है, राधा कृष्ण उपासना में उनकी रुचि है। धीरे 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 क्या होता है, फिर उसका मन तो लगता नहीं है, राधा कृष्ण में रुचि है जन्म से, अब दीक्षा तो दे दिया हो तो रामानंदी मन तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उनकी रुचि नहीं है। तो बहुत क्षेत्र में ऐसे देखा जाता है, जो अपना इष्ट को छोड़ करके वो राधा कृष्ण ही चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, अयोध्या धाम छोड़ करके वृंदावन वास करते हैं, ऐसे बहुत रामानंदी हम देखे। ऐसे ही मान लीजिए कोई कोई मान लो कृष्णानंदी है, राम सीता उपासना मन की रुचि है, लेकिन किसी ने कोई वैष्णव ने उनको कृष्ण मंत्र दे दिया है, तो इस तरह से वैषम्य आ जाती है, जिस कारण से दीक्षा तो ऐसे ही लेना चाहिए अपने रुचि अनुसार। तो हरिदास कहते हैं जनाब जिसका जो रुचि है तद अनुसार ही वो भजन करते हैं, उस अल्लाह और जो है ये कृष्ण इनमें कोई भेद नहीं है, भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है, उन्हीं का ही अलग अलग नाम है, इसलिए जनाब हमारे जो रुचि है वो कर रहे हैं, हम तो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको क्यों बाधा दिया जा रहा है, हमको तो रुकना नहीं चाहिए। हाँ काजी साहब बोलिए, इनका बात का जवाब दीजिए, ये जो कह रहे हैं ये बात भी सही है भाई, इनकी इच्छा है, इनके अंतकरण बढ़ती है, इनको हिंदू धर्म में इनकी रुचि है, तुम क्या कहना चाहती हो? जनाब बात सही होने से भी इसमें बहुत झंझट है। क्या झंझट है? ये मुसलमान धर्म को नष्ट करेगा आगे चल के, हमारे धर्म के ऊपर प्रभाव विस्तार करके बहुत सारे मुसलमान को खींच के ले जाएगा, वो एक काफिर का धर्म आचरण करने में इस तरह से उनका धर्म आचरण कराएंगे, इसलिए इसको साझा होनी चाहिए। हाँ भाई देखो काजी साहब जो कहते हैं बस सुन लो भाई, तुम ये सब नाम छोड़ो, तुम मुसलमान थे, मुसलमान धर्म ग्रहण करके फिर तुम जैसे आचरण करते हो, कलमा पहन करके तुम नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो, जिस तरह से हमारे धर्म है धर्म आचरण करो, कोई दोष नहीं है, तो नाम छोड़ दो, ये सब काफिर का धर्म आचरण छोड़ दो। हरिदास फिर समझाने का कोशिश किया लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं। तो कहते हैं हरिदास कहते हैं ये शरीर अगर टुकड़ा टुकड़ा करके भी काट के फेंक दिया जाए, फिर भी मैं अपने जबान से हरिनाम मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। जनाब मैं अपने सिद्धांत तो बता दिया। भूषण शाह देखते हैं, हाँ काजी साहब बोलिए, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? बोले जनाब ऐसे नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको व्हीप करके चाबक मार के इसको 22 बाजार में व्हीप करके इसको शरीर को समाप्त तो कर दो। बोले कैसे कहूं, यही मार दो? बोले ना ऐसे सब कोई जानेंगे, देखो मुसलमान होकर हिंदू धर्म अपनाने का काफिर धर्म अपनाने का उसका नतीजा क्या होता है, जिससे सब सावधान हो जाएंगे, स्वप्न में भी कोई और ऐसा करने के लिए आगे बढ़ने का चेष्टा नहीं करेंगे, ऐसा होना चाहिए। हाँ भैया देखो भाई
तुमको कह रहा हूँ, इन काजी साहब को बात सुनो, नहीं तो भाई तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगा, इस तरह से तुमको मारा जाएगा। जनाब हमारे सिद्धांत हमने कह दिया है, आपका जो करना है कर लीजिए। बस जल्लाद को बुलाया, 10-12 जल्लाद हुईप लेकर के पकड़ के ले जाते हैं। उस समय क्या है मुसलमान पीरियड में, एक दमामा होता है, ऐसे इतना बड़ा ढोल जैसे इतना बड़ा ऊंचा चमड़ा का ये दमामा होता है, उसका पीटते दम 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 दम, कहीं जा करके कहीं मार्केट में कहीं लोकालिटी जहाँ है वहाँ जगह बजाते हैं। बजाने से सब जान जाते हैं जो राजा का तरफ से कोई संदेश आया है, क्योंकि राजा मनमुखी जो चाहे कुछ भी कह देते हैं और उसको पालन करना पड़ेगा। सब भीतर संतुष्ट है ना, मुसलमान पीरियड ना जाने क्या नया कोई कानून बना के बोल दिया ऐसा करो, इसीलिए सब सब इकट्ठा हो गए बाजार में। हाँ, चिल्ला के कहते हैं, देखो सुनो सब, मुसलमान होकर के हिंदू धर्म अपनाने का देखो क्या नतीजा है, देखो तुम लोग आंख खोल के देखो। और ऐसे सब कोई गोल होकर के दिखते हैं, क्या तमाशा है, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हरिदास को चाबू मारते, इधर से शबांग 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 चारों ओर से, और हरिदास हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नाम की कृपा से हरिदास ठाकुर का कोई वेदना अनुभव होती नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज को ऐसे हिरण्यकशिपु कितना प्रकार सजा दिए हैं, अग्नि में निक्षेप किए, हाथी के पांव के नीचे डाल दिए, पर्वत के ऊपर से गिरा दिए हैं, है ना, लेकिन कोई अनुभव किए नहीं प्रहलाद महाराज। ऐसे ही भगवान भक्तवत्सल भगवान रक्षा करते, हर स्थिति में रक्षा करते हैं, तो भगवान उनको इस तरह से रक्षा कर रहे हैं, उसको वेदना नहीं, कोई व्यथा नहीं, फिर मरते नहीं, फिर जाकर के पकड़ के ले जाते हैं, चलो लेकर के और एक बाजार, बाजार माने मार्केट ले जाता है, दूसरा कोई गांव में, दूसरा कोई मार्केट, वहां ला करके फिर वही दबाव आ जाते हैं, दम 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 दम, फिर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वह चिल्ला के कहते हैं, देखो देखो तुम लोग आप खोल के देख लो, मुसलमान होकर हिंदू धर्म अपनाने का क्या नतीजा, देखो आप तुम लोग देख लो। फिर ऐसे मारते हैं, बहुत लोग तो रोते हैं, कोई हाथ जोड़ते हैं, कोई आके पाप पूछते हैं, कोई भाई कुछ दक्षिणा दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, रिश्वत भाई छोड़ दे, इतना मत मारो भाई, इतना निर्दय होकर मत मारो मत मारो। हरिदास ठाकुर तो हरे कृष्ण जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 22 बाजार, 22 माने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा मार्केट, ऐसे 22 बाजार तक मारा है अच्छी तरह से, कोई विकार नहीं, कोई विकार नहीं। आप सब जल्लाद जो है घबरा गए, अरे भाई 22 बाजार में हमने वेत्राघात किया, लेकिन ये तो कोई प्रकार परिवर्तन नहीं, अब तो मुश्किल है, अब हम लोग जाएंगे तो जनाब कहेंगे तुम लोग मारा नहीं, 2 बाजार में 2 मार्केट में पिटाई करने से ही कितना मर जाता है, और 22 बाजार में तुमने वेत्राघात किया, हुईप किया, और मरा नहीं, तुम लोग ठीक से मरा नहीं, तो फिर नतीजा हम लोग भोगना पड़ेगा, हम लोग उनको सूली पे चढ़ा देंगे, जाओ तुम लोग को सूली पे चढ़ाना है, हम तो मरेंगे। आप भय पा गए हैं, ये तो कोई पीर है, ये तो साधारण नहीं है भाई, 22 बाजार में हुईप करने के बाद भी ये अभी तक जिंदा है, हरे कृष्ण कर रहे हैं, पंप पर गए भाई के मारे, देखो बाबा तुम तो जिंदा पीर हो, तुम तो नहीं मरा, लेकिन अब तो हमारा मरने का नौबत आ गया, तुम तो मरा नहीं, अब हमारे मरने का नौबत आ गया। क्यों भाई, क्यों भाई, ऐसे क्यों, तुम्हारे मरने का नौबत क्यों, अरे जनाब के पास जाएंगे, जनाब कहेंगे जो इसको मारा नहीं है, मारा नहीं, जब अब तुम ठीक से मारा नहीं है, चलो हमको सूली पे चढ़ाएंगे, हमारा घर के बाल बच्चा तो भूखे मर जाएंगे, फिर
कौन उनको देखभाल करेगा? इसीलिए पाम पकड़ के रो रहे हैं, अब हम क्या करें, हम तो नौकर हैं, जैसे जनाब जैसे कह दिया ऐसे ही किए हैं, लेकिन उसमें कुछ फल तो हुआ नहीं। आप तो बड़ी मुश्किल की बात है, अब हमारे मरने का नौबत आ गया है, अब क्या करूं? हरिदास ठाकुर जब मार रहा था तब हरिदास ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे थे? हे प्रभु, हे दीननाथ दीनबंधु, ये अज्ञानी है, ये जानते नहीं है जो ये क्या कर रहा है, क्या अपराध कर रहा है, तो इसके अपराध को क्षमा कर देना प्रभु, इनके अपराध क्षमा कर देना। भगवान सुदर्शन लेके आते हैं, लेकिन अनुरोध से सुदर्शन लौट के चले जाते हैं, ऐसे प्रार्थना। जब वो रो रहे हैं, हरिदास ठाकुर बहुत दुखी हो गए, क्या हम जिंदा रहने से तुम मरोगे? अरे भाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, इतना तो कर्मचारी है, ठीक है चलो अब हमको मारो, खूब मारो, देखो ना अब हम चले जाएंगे। बोले इतना 22,000 वेप किया, मरा नहीं, आप बोलते हमको मारो मर जाएंगे, क्या बोल रहे हैं? बोले ना ना मारो ना तुम लोग मारो, तो 2-4 बार मारते ही बड़ा हमको कि गिर गया। अरे भाई गिर गया, झूठ बोलता है ना, सच बोलता है, तो ना देखो तो सही, तो पल्स बीट हार्ट बीट देखो, तो भस्त भी है नहीं, रुई पकड़े हैं नाव के नाक के पास, रुई हिलता नहीं है, ये तो लक्षण है ना, प्राण क्रिया के लक्षण है। जब ये रुई दे देते हैं, यहाँ पहले तो ऐसे स्टेथोस्कोप था नहीं, तो मर गए कि जिंदा है तो कैसे समझेंगे, तो हल्का रुई लेकर यहाँ पर धर देते हैं, अगर श्वास चलता है तो उड़ जाएगा भाई, हिलता नहीं तो मर गया, वास्तव में मर गया। बड़ा आनंद है, वाह अब बच जाएंगे। हरिदास ठाकुर का कंध में करके लेके चले गए हैं उस शाह के दरबार पे, दरबार में लगे जनाब मार दिया, ठीक है काजी साहब अब इसका क्या किया जाए, इसको दफना दिया जाए ना जला दिया जाए? काजी का कहते हैं जनाब ये पापी को अगर दफनाएंगे तो जा करके इसको तो बेहस्त में चला जाएगा, बेहस्त में स्वर्ग, बेहस्त में चला जाएगा, इसको दुर्गति होनी चाहिए, तो क्या करें, इसको गंगा में फेंक दीजिए, फिर नरक में जाएगा, इसको गंगा में फेंक दो। अच्छा काजी साहब जो कहते हैं चलो इसको गंगा में फेंको, तो चार अब उठाते उठता नहीं है, शरीर इतना वजन हो गया, बहुत सारे सब सब जवान आकर के कर्मचारी सब आकर के उठाने, उठता ही नहीं भाई, एकदम जैसे पत्थर क्या है, क्या है ना जाने, मंदार पर्वत आ गया, आप घबरा गए, आप क्या करेंगे, तो हाँ झमेला हो गया जनाब, क्या किया जाए, चलो 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 कोशिश करो। अब हरिदास ठाकुर देखते हैं तो आप तो बहुत हो गया, चलो आप और लीला करनी है, फिर अचानक हल्का हो गया, एकदम एकदम हल्का हो गया, और ये बड़ा अजीब है ये हिंदू पीर तो बड़ा विचित्र है, चलो पकड़ के लेकर के गंगा में फेंक दिया, फेंक के चले आए हैं, और दर्शक उठ के हरे कृष्ण बोलते बोलते चल दिए, हरे कृष्ण बोलते बोलते। हुसैन शाह का जो सामने जो राज राज रास्ता है ना, वहां से जा रहे हैं आ रहे हैं, हरे कृष्ण हरे, अरे अरे काजी साहब ये वही भूत हो गया, गया ये कैसी बात है, अरे वही तो, हाँ वही तो सबको आके दिख रहा, अरे वही तो कैसे आ गया, अरे भाई तुम कैसे आ गए, चिंता कैसे हो गया? बोले इच्छा हमारी, हमारे ठाकुर जी की इच्छा, हरे नाम में इतनी शक्ति आए, होता है ऐसे। आप हुसैन शाह बहुत भयभीत हो गया, भी कहते हैं भाई इसको कोई कुछ नहीं कहना, जहां इच्छा मन चाहे ये रहने दो, इनको जाने दो, ऐसे कह करके फिर उनको सार पत्र दे दिया, सार पत्र माने सर्टिफिकेट, सार पत्र दे दिया, इनको कोई नहीं, ये जिंदा पीर है, एकदम जिंदा पीर है, सब दंड करते। हरिदास ठाकुर इस तरह से घूमते 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 और कुछ जगह रह करके भजन भजन करके आप आए अद्वैत आचार्य के घर में। अद्वैत आचार्य अभी इंतजार कर रहे थे हरिदास ठाकुर के, जानते हैं अद्वैत आचार्य जो हरिदास ठाकुर एक महान पुरुष है, भगवान के परम भक्त हैं,
तो वहाँ रह करके शास्त्र अध्ययन करते हैं ना, हरिदास ठाकुर के साथ रह करके भक्ति शास्त्र अध्ययन तत्सहित सत्संग साधुसंग इसमें आनंद में दिन व्यतीत कर रहे हैं। कभी कभी ले जाते हैं उनको कोई महाप्रभु के पास, तब तो निमाई पंडित उस समय गया से आए हैं। अब निमाई पंडित आकर के अब विद्याभ्यास कराते हैं, जो अध्यापना करते हैं वो अध्यापना सब सूत्र संधि सब में वही कृष्ण नाम सब समझ नहीं पाते हैं छात्र जन। कहते हैं आप जो ये व्याख्या कर रहे हैं प्रभु, ये तो कुछ समझ में नहीं आता है, हर सूत्र में हर संधि में सब व्याख्या में आप कृष्ण नाम ही स्थापना करते हैं। बोलते हैं क्या करूं, हमको तो दिखता ही है कृष्णमय दिखता है, सब कुछ कृष्णमय दिखता है, अब क्या करूं बताओ। कई दिन हो गया ऐसे ही विद्याभ्यास माने नाम मात्र, बस कृष्ण नाम कृष्ण कथा बीच बीच में सब उपदेश करते हैं। संसार अनित्य है, जीवन अनित्य है, इसीलिए हरि नाम करो, हरि भजन करो, अगर मंगल चाहते हो तो हरि नाम करो, हरि नाम में ही समस्त मंगल निहित है, इससे बढ़कर मंगल कार्य मनुष्य जीवन में और कुछ है नहीं। हरि नाम हरि नाम हरि नाम इव केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति भगवतिरन्नका। आप शिष्य लोग देखते हैं ऐसे विद्याभ्यास तो कोई काम का नहीं है, तो कोई विद्याभ्यास होता नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र बस, और सब सूत्र टीका में सब कुछ ही हरि नाम। तब बोलते हैं प्रभु ये तो आप विद्या धर्म तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो निमाई पंडित कहते हैं बाबा देखो भाई हमसे यार होगा नहीं, मैं सही कहता हूँ भाई, हमसे तुम्हारी टीका टिप्पणी वो जो पहले के विद्याभ्यास वो जो है ना शास्त्र व्याकरण आदि यहाँ से होगा नहीं भाई, तुम लोग उनका जहां मन चाहे वहां जाकर के तुम लोग अध्ययन करो, हमसे और होगा नहीं, क्योंकि हमारे हमारे सामने हर अक्षर में हम दिखते हैं कृष्ण, में हर वस्तु में दिखते हैं कृष्ण, इसीलिए मैं क्या करूं बताओ, हमको क्या करना चाहिए बताओ। तो कहते हैं प्रभु विद्याभ्यास तो खूब कर लिया, हम लोग और कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन दूसरे किसी को और हम अपने अध्यापक हम मानेंगे नहीं, किसी के सान्निध्य में हम जाने के लिए तैयार नहीं है, जो शिक्षा प्राप्त की है आपके सान्निध्य में रहकर उसी रहने दीजिए। तो बोलते बढ़िया बढ़िया सुनो, फिर हम लोग तो एक काम करो सबके मिलकर हरि नाम करेंगे, छोड़ो चक्कर ये पढ़ाई लिखाई ये सब बेकार विद्वत्ता इसमें कुछ है नहीं, तो क्या करें चलो हम लोग हरि नाम करेंगे। आप एक महाप्रभु एक मंडली बना लिया, सब चेला जितना है विद्या विद्याभ्यास करते थे सबको बुला करके सबको ले करके संकीर्तन मंडली बना लिया है, मंडली बना करके आप गाम 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 आज यहाँ काल वहाँ हरि कृष्ण महामंत्र हरि हराय नमो कृष्ण जादवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो, ये मंत्र कीर्तन करते हैं। और हरिदास तो जान गए हैं जो हमारे प्रभु आज आ गए हैं, तो हरिदास भी अद्वैत आचार्य प्रभु के घर से बीच बीच में आ करके वो कीर्तन अनुष्ठान में अंश ग्रहण करते हैं, जाते हैं महाप्रभु के साथ बड़े आनंद से कीर्तन करते हैं। और अद्वैत आचार्य भी देखते हैं जो ये तो हमारे प्रभु तो अब आ गया, जो भक्त लोग पहले को शोक संतप्त होकर के अद्वैत आचार्य प्रभु के श्रीपाद श्रीचरण कमल सान्निध्य में आकर के दुख व्यक्त करते थे, जो कहीं भक्ति का नाम निशान नहीं क्या होगा इस तरह से कि हमारे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, भक्ति धर्म लुप्त हो जाएगा, कुछ कीजिए अब कीजिए, तो महाप्रभु हुंकार करके कहते हैं देखो चिंता नहीं करो, आप समय आ गया देखना, आप थोड़ा सा दिन दो चार दिन तुम लोग इंतजार करो, फिर देखना प्रभु आ गए हैं, प्रभु आ गए हैं, तुम लोग सब देखोगे उनके सान्निध्य प्राप्त करके तुम धन्याति धन्य हो जाओगे, चिंता मत करो। तो सब लोग जा करके, तो एक दिन क्या हुआ महाप्रभु अपने भक्त मंडली दो चार जो है उनके पास जा करके, तो हरि नाम में हरि कीर्तन में ऐसे अश्रुधारा ऐसे अश्रुधारा ऐसे रोते हाँ कृष्ण करके देख करके सब एकदम
घबरा जाते हैं जी, ऐसे अश्रुधारा, ऐसे व्याकुलता, ऐसे अष्ट सात्विक विकार, ऐसे तो कोई मनुष्य शरीर में होना संभव नहीं है, ये कौन है? वो जो घमंडी निमाई पंडित था, वो अभी इतना विनम्रता, वैष्णव दर्शन मात्र ही दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, सबके पास जाकर के कहते हैं हमको कृपा करो, हमको दया करो, हमको दया करो, तुम्हारे तुम लोग उनका कृपा बिना हम ये भक्ति मार्ग में हमको भक्ति प्राप्त होना संभव नहीं है। यह है भक्ति देवी की कृपा जिस पर होती है वो झुक जाते हैं, उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। जब तक भक्ति देवी की कृपा नहीं, कृपा के कोई अनुप्रवेश नहीं, तब तक घमंड, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े वैष्णव हैं, हम बड़े भजन आनंदी हैं, ये सब अभिमान आकर के हृदय को ग्रासित कर देता है। लेकिन वास्तविक जब भक्ति देवी के अनुप्रवेश, किंचित मात्र अनुप्रवेश होती है ना, तो जाकर के इस तरह से दीनता आ जाती है। अब महाप्रभु का अंदर वो दीनता देख करके सब चकित हो गए हैं। तो देखो ये निमाई पंडित दो दिन पहले कितना घमंड, कैसे उद्धत थे, लेकिन अभी देखो कैसी विनम्रता, बड़े आदर से उनको छाती में लगाते हैं, रो रो करके महाप्रभु सबको छाती में लगाते हैं, फिर कहते हैं देखो हम काल तुम लोग आ जाना, तुम लोग शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर तुम लोग आ जाना, काल हमारे मन के दुख जो हम तुम लोग उनको व्यक्त करेंगे, काल आ जाना, ऐसा करके रो रो करके सबके चरण में निवेदन किए, काल आ जाना शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर, वहां जा करके हम अपने मनोवेदना तुम लोग उनको व्यक्त करेंगे। तो दूसरा दिन सब भक्त समाज में जो अपना भक्त जो है, भक्त मंडली सब में खबर हो गया, जो निमाई पंडित अब अद्भुत परिवर्तन, अद्भुत उनके अंदर वैष्णवता, अद्भुत उनके अंदर प्रेम विकार, अद्भुत उनके अंदर दीनता विनम्रता, एक अद्भुत समावेश। तो काल आएंगे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर, सबको कह दिए आप लोग सब आना, वहीं मिलेंगे, देखे क्या लीला करते हैं। तो जा करके महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर आए हैं, सब भक्त भी आए हैं, आ करके फिर महाप्रभु वहां कहते हैं देखो हम तो गया गए हैं, जा करके हमने कृष्ण को देखा, फिर कृष्ण हमको दर्शन दे करके कहां अंतर्ध्यान हो गए, बस तब से मैं पागल हो गया हूं, तुम लोग हमारे कृष्ण को कहीं से भी लाओ, कैसे भी हो लाओ, ऐसा बोल करके ऐसे विकार, ऐसे क्रंदन, ऐसे शक्ति के भाव से भावित हो, अद्भुत लुटपुट खा रहे हैं, रज में लुटपुट खा रहे हैं, सब देख रहे, अरे अद्भुत प्रेम विकार, जो प्रेम की छटा किंचित मात्र जिस भक्त के हृदय में अनुप्रविष्ट होता है उसके भीतर में विशेष परिवर्तन देखने में आता है। अश्रु कंप पुलक शेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब सत्य विकार देखने में आता है। तो देख करके सब बहुत चकित हो गए, और सब भक्त भी महाप्रभु के सान्निध्य में आकर के वो प्रेम का छटा महाप्रभु सबके अंदर इस तरह से प्रकाशित किए, सब एकदम प्रेम में पागल होकर के लोटपोट खा रहे, वो इसके ऊपर गिर रहे हैं, हा कृष्ण बोल करके वो उसके ऊपर गिर रहे हैं, एकदम शोध बोध है नहीं, इस तरह से जा करके बहुत समय तक वहां जा करके ये प्रेम लीला प्रदर्शन करके फिर जाके महाप्रभु सबसे विदाई लेकर के गए हैं। जो अब हम लोग भजन करेंगे, हम लोग कीर्तन करेंगे, सब हमारे साथ आकर के कीर्तन मंडली में आकर के सब हम लोग कीर्तन करेंगे, आप लोग भी सब शामिल हो जाना हमारे साथ। इस तरह से हरिदास ठाकुर भी आए हैं, हरिदास ठाकुर भी आकर के वो तो जान गए हैं जो हमारे प्रभु अब अवतीर्ण हुए हैं, अब हमारे जो इंतजार जिनकी चरण सान्निध्य प्राप्त की इंतजार लेकर के हम आए हैं यहाँ, आज वो सान्निध्य हमको मिल गया है, अब अंधकार है नहीं, आप प्रकाश दिखने में आया है, आप दुनिया देखेंगे, आपको प्रेम, आप वो भगवान की प्रेम लीला आप सब देखेंगे, बड़े खुशी होकर के हरिदास ठाकुर
कीर्तन में शामिल होकर के हरिनाम संकीर्तन में मुखरित होकर के सब गांव 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 कीर्तन मंडली लेकर के ऐसे स्तर से विचरण कर रहे हैं। अब अद्वैत आचार्य प्रभु महाप्रभु के भाव देख करके जान तो गए हैं, अब हमारे प्रभु अपने को प्रकाश करेंगे। तो ठीक है, हमने तो लाए हैं तुमको गंगा जल तुलसी दे करके, तुमको लाए हैं हम कारण सागर से, तुमको हम लाए हैं, तो हम देखेंगे हमको यहां से जाना है, क्योंकि हम तुमको लाए हैं, तुम भी हमको इस तरह से बुला के लाओगे तब हम आएंगे, नहीं तो हम देखेंगे जो हमारे जो गंगा जल तुलसी दे करके रो रो करके हमने जिसको आह्वान किए हैं गोलोक से जो प्रभु आए हैं, हम भी ऐसे थोड़ी हैं, हम कभी बुला के लाएंगे तब हम आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं, ऐसा कह करके अपने परिवार को लेकर के सीता माता आदि को सबको लेकर के सीधा अच्युतानंद आदि को लेकर के चले गए शांतिपुर। अब तमाशा देखेंगे क्या करते हैं। तो इस तरह से शांतिपुर चले गए, क्यों गए हैं कोई जानते नहीं है, जो अद्वैत आचार्य नवद्वीप छोड़ के शांतिपुर क्यों गए हैं, बस उनकी ऐसे उद्देश्य है कि हमको प्रभु बुला, अगर हमारे प्रभु आए हैं अवतीर्ण हुए हैं ओ गोलक बिहारी, ओ प्रभु अगर सही सही आए हैं तो हमको बुला के लाएंगे तब हम आएंगे, हमको बुला के लाएंगे तब हम आएंगे, ऐसे भावना लेकर के सीधा चले गए शांतिपुर। और महाप्रभु अब देखते अब हमको प्रकट होना है, अब हमको प्रकट होना है। तो महाप्रभु एक दिन बस अचानक प्रातः काल गए हैं श्रीवास पंडित के घर, बड़े आंगन है, बड़े मंदिर है, बड़े समृद्धशाली है, वहां जाकर के ए श्रीवास दर्जा खोल, देख मैं कौन हूं। और श्रीवास पंडित उस समय अपने दर्जा बंद करके भजन कर रहे थे, अरे भाई ये तो निमाई पंडित का आवाज, लेकिन इस तरह से तो वो संभाषण नहीं करते हैं, आज ऐसे संभाषण क्यों, क्या बात है, दर्जा खोल के दिखते हैं एक ज्योति पुंज तेज पुंज कलिवर, जैसे शरीर से समस्त ऐसे बिखार रहे हैं सब, तेज पुंज ज्योति पुंज जैसे अनंत ज्योति के पुंज जैसे है निमाई पंडित नहीं, जैसे एक है कोई दिव्य धाम से साक्षात प्रकट हुए हैं, सच्चिदानंद घन विग्रह साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, देख करके श्रीवास पंडित तो दंडवत प्रणाम किए हैं, बोलो हम बैठेंगे का, हमको बैठने दो, इस दिन इतना दिन पहचाना नहीं मैं कौन हूं, इतना दिन हमको पहचाना नहीं, मैं वही हूं, देख ले मैं कौन हूं, हमारे बैठने के लिए आसन दो। तो जल्दी करके श्रीवास पंडित अपने ठाकुर जी को जो बैठे हैं आसन वहां पर सब हटा करके वहां पर बैठे हैं, आइए प्रभु आप यहीं पर बैठिए प्रभु। तो जा करके श्रीवास पंडित को अपने वही स्वरूप दिखाया, सर्वैश्वर्य पूर्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान को ऐश्वर्य शक्ति संपन्न वही स्वरूप प्रदर्शन किया है, देख लो मैं कौन हूँ, मैं आया हूँ, आप चिंता मत करो, बिल्कुल भय मत करो, आप देखना जो पाखंडी को किस तरह से हम विनाश करते हैं, देखना तुम लोग देखना, आप कोई चिंता मत करो, कोई भय नहीं, मैं आ गया हूँ। ऐसा करके महाप्रभु अद्वैत श्रीवास पंडित को आश्वस्त किया है, श्रीवास पंडित भी बड़े संतप्त हृदय थे, इतना दिन जो जो भक्ति मार्ग से सब दूर हो गए हैं, आप वो भक्ति मार्ग देख करके महाप्रभु आए हैं, दयार्द चित्त होकर आए हैं, अब महाप्रभु वो भक्ति मार्ग स्थापना करेंगे, बड़े आनंद खुशी के साथ समस्त पाद्यार्घ आदि समस्त स्वरूप आचार लेकर के महाप्रभु को चरण धुलाए, गंगा जल से चरण धुलाए, फिर जाके पूजा किए हैं, पूजा करके विधि पूर्वक पूजा करके फिर जाके बड़े शांत हो गए हैं।
तो काल हम लोग फिर चलेंगे, आप महाप्रभु आत्म प्रकाश करेंगे, उनके पार्षद सब आकर के किस तरह से वो दिव्य लीला में अंश ग्रहण करेंगे, इस विषय में हम लोग फिर काल आगे चलेंगे। महाप्रभु के दिव्य लीला, सच्चिदानंदमय लीला, आनंदमय लीला, प्रेममय लीला करेंगे भगवान, आगे चलेंगे हम लोग। जय जय श्री राधे।